हेलो फ्रेंड्स, हाय, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज जो प्रोडक्ट्स मैं आपके सामने इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, दैट इज फ्रॉम द ब्रांड द बॉडी शॉप। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैं काफी टाइम से यूज कर रही हूँ। ये मेरे पर्सनल फेवरेट्स हैं और मैं डेफिनेटली रिकमेंड भी करूंगी कि आप इन प्रोडक्ट्स को जरूर ट्राई कीजिए। सो विदाउट डिलेइंग, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो फर्स्ट आई विल बी टॉकिंग द प्रोडक्ट्स फ्रॉम रेंज विटामिन सी। तो ये हैं दीज थ्री प्रोडक्ट्स। वन इज क्लेंजिंग पॉलिश, सेकेंड इज माइक्रोडर्माब्रेजन एंड दिस थर्ड इज ग्लो बूस्टिंग मॉइस्चराइजर। टॉकिंग अबाउट दिस इज अ फेस वॉश। तो विटामिन सी जो है आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, आपके स्किन को नरिश करता है, जो भी ब्लेमिशेस हैं, इम्प्योरिटीज हैं, जो भी मार्क्स एंड स्पॉट्स हैं उन पे काम करता है। दिस ऑल्सो हेल्प्स इन एंटी एजिंग, आपके स्किन को यूथफुल रखने में हेल्प करता है। टॉकिंग अबाउट दिस माइक्रोडर्माब्रेजन, दिस इज एक्चुअली अ स्क्रब जिसके अंदर बहुत ही माइल्ड, बहुत ही छोटे ग्रैन्यूल्स हैं विच हेल्प्स इन एक्सफोलिएटिंग योर स्किन एंड ऑल्सो क्लेंजिंग योर स्किन। इससे आपकी स्किन बहुत ही इंस्टेंटली ग्लो फील करती है, बहुत ही ब्राइटनिंग एंड वाइटनिंग फील करती है। थर्ड प्रोडक्ट है दिस मॉइस्चराइजर। ये मैं मोस्टली रात को अप्लाई करती हूँ सोने से पहले, ताकि इसके जो भी बेनिफिट्स हैं वो मेरे स्किन में अब्सॉर्ब हो और पूरा टाइम मिले उनको, जितने भी आर्स की मैं स्लीप ले रही हूँ, कि अपना काम कर सके वो स्किन के अंदर डीपली पेनिट्रेट करके। तो ये मेरा न्यू परचेज है, ये मेरी मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी शेयर किया है आपके साथ ये प्रोडक्ट। तो इन प्रोडक्ट्स के कुछ ऐसे हैं जो मैं कुछ 6 महीने साल भर से यूज कर रही हूँ और ये इतनी जल्दी फिनिश नहीं होता है, तो कुछ ऐसे रफ से भी दिखने लगे हैं अब तक, और इनके प्रोडक्ट्स के प्राइजेस निकल चुके हैं जिनका मुझे अभी इस वक्त कोई आइडिया नहीं है, बट आई विल ट्राई टू मेंशन द प्राइस एंड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो आप अगर चाहते हैं तो आप उसमें देखकर आप अपने लिए भी परचेस कर सकते हैं if you are interested. Next is this from the range Tea Tree. This is a lotion. As I have mentioned ki I have a acne prone skin, so I always keep looking for products which helps in reducing my or controlling my acne. This is a mattifying lotion. It looks like this. ये मेरे skin को definitely help करता है। इसके मैंने इसका Tea Tree range से मैंने पहले face wash भी use कर रखा है, that helped me a lot. तो मैं अपने इन्हीं products के बीच में switch करती रहती हूँ, कभी 2 weeks, 3 weeks कुछ ये, कभी Tea Tree लगाया, कभी vitamin C लगाया, कभी vitamin E लगाया। इस तरीके से मैं अपने skin routine में changes लाती रहती हूँ, ताकि मेरी skin किसी एक चीज के लिए habitual ना हो और काम करना बंद ना कर दे, but उसको मैं कुछ ना कुछ अलग अलग nourishments देती रहती हूँ, skin dull और blemish ना लगे। Tea Tree जो है वो acne के लिए बहुत अच्छा है, तो definitely try this one. Next is from the range Vitamin E. This is again a moisturizing cream. Keeps your skin hydrated for 48 hours. तो body shop के products हैं mostly जो है वो है, they are free from mineral oil and paraben. This is a 50 ml product. तो next is this Shea lip balm. तो ये भी मुझे काफी पसंद है, serums काफी पसंद है मुझे। तो और ये काफी थिक है कंपेरेबली, अगर आप बाकी लिप बाम देखें तो वो बहुत जल्दी वेयर ऑफ हो जाते हैं, बट इस ये बहुत ही ज्यादा टाइम तक हाइड्रेटेड रखता है आपके लिप्स को। तो ये प्रोडक्ट मुझे काफी पसंद है, तो इवन यू कैन ट्राई दिस वन। शिया का ही बॉडी वॉश है मेरे पास, सॉरी खत्म हो गया है जो कि अभी, तो ये अभी मैं रिपर्चेस करूंगी क्योंकि मुझे काफी पसंद है, इसकी फ्रेग्रेंस मुझे काफी पसंद है, तो इसकी फ्रेग्रेंस काफी अच्छी है, अभी तक भी इस बॉटल में से खुशबू आ रही है। तो दिस इज अ 250 ml बॉटल, तो आप इसको जरूर ट्राई कीजिए। इनफैक्ट बॉडी शॉप के जो बॉडी वॉशेस हैं वो काफी अच्छे होते हैं। सो नेक्स्ट इज कैमोमाइल का ये मेकअप रिमूवर, एंड आगे यू कैन सी आई हैव ऑलमोस्ट फिनिश्ड दिस बॉटल। तो ये वाटरप्रूफ मेकअप निकालने के लिए बहुत 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 अच्छा है। आई डेफिनेटली रिकमेंड कि आप और किसी में इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि आप ये वाला एक बार ट्राई कीजिए। विल कीप गोइंग बैक टू परचेज दिस प्रोडक्ट अगेन एंड अगेन। तो ये अभी खत्म हो जाएगा तब मैं इसको इस प्रोडक्ट को परचेज करूंगी। तो ये है 160 ml बॉटल, दिस इज फॉर ₹825। ये सबके मैं प्राइजेस एंड लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी। नेक्स्ट इज फ्रॉम बनाना रेंज, दिस इज अ कंडीशनर एंड दिस वन इज अ शैम्पू। ये दोनों का कॉम्बो मैं यूज करती हूँ और इससे मेरे बाल बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं, फ्रिज फ्री हो जाते हैं, काफी शाइनी लगते हैं, काफी अच्छे लगते हैं, मतलब जो फील एंड टच है वो बहुत अच्छा है। तो डेफिनेटली आई विल रिकमेंड टू यूज दिस।
नेक्स्ट इज एन एक्सफोलिएटर फ्रॉम रेंज सीविड. तो इट लुक्स लाइक दिस. ये भी मैं स्क्रबिंग करती हूँ इसका ही. तो ये आपके जो डार्क जो भी आपके ब्लैक हेड्स हैं उन पे बहुत अच्छा काम करता है. तो डेफिनेटली ट्राई दिस वन. नेक्स्ट इज दिस इज अ कैरेट वॉश फ्रॉम रेंज कैरेट. और दिस इज एन एनर्जाइजिंग फेस क्लेंजर. तो ये भी फेस वॉश बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया है. दिस इज अ 100 ml ट्यूब. तो ये मैं कुछ टाइम से यूज कर रही हूँ, अराउंड टू मंथ से. तो ये मुझे काफी पसंद आया है. तो जो फील है आफ्टर वॉशिंग योर फेस वो बहुत अच्छा है. सो लास्ट बट नॉट लीस्ट, कीपिंग योर हैंड मॉइस्चराइज्ड इज डेफिनेटली अ थिंग दीज डेज. आप इतना हैंड वॉश करते हैं, आपका हैंड उतना ही डिहाइड्रेटेड और ड्राई रहता है जितना आप हैंड वॉश करते हैं. तो उसके लिए आई विल रिकमेंड टू गो फॉर अ हैंड क्रीम. दिस इज इन मैंगो फ्रेग्रेंस. इसके और भी फ्रेग्रेंसेज हैं और दिस मैंगो वन इज माई फेवरेट. तो दिस इज अ 30 ml ट्यूब. सो वट आई डू इज मैं इसको रात को सोने से पहले अपने हैंड्स को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करती हूँ ताकि मेरे हैंड्स जो है वो सपल रहें, सॉफ्ट रहें, स्मूथ रहें. तो डेफिनेटली ट्राई दिस वन. सो फ्रेंड्स, इसी के साथ मेरा ये वीडियो खत्म होता है. तो अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड बेनिफिशियल लगी है तो मेरे इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ. और भी प्रोडक्ट रिव्यूज देखने के लिए मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी. Bye.